Welcome back. You're watching New Delhi at 100. This is our final presentation. Let's take a little breather from all the serious stuff of nation building and global supremacy, and let's talk about the cultural influence of New Delhi. Now, dating as far back as the 13th century, the aesthetic, the literary and the intellectual tone of the country and even the world has been informed by the rulers and the people of Delhi. The Mughal emperors, for instance, were well-known arbiters of taste, spawning artistic movements and periods of cultural richness that are still influencing art today. In the grand tradition of music and discourse, may we present a special show, Dilli Jo Ek Sheher Hai, our very own Dilli Darbar of free thinkers, artists and musicians in conversation and singing along with Richa Anirudh. सदियों पहले ये बोल दिल्ली की सरजमी पर लिखे गए और तब से आज तक ये सारी दुनिया के लबों पर हैं। इस दिल्ली में सदियों से कला संस्कृति की बेशुमार धाराओं ने मिलकर नई नई तहजीबों को जन्म दिया, वो चाहे शायरी का मैदान हो, नृत्य और नाटक की दुनिया हो या कला और संगीत का क्षेत्र। इस शहर ने एक से बढ़कर एक दिग्गज इस दुनिया को दिए। दिल्ली को भारत की राजधानी बनने के 100 साल पूरे होने पर अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, क्या वो दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बन सकता है? इज दिल्ली रेडी टू बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली की कला संस्कृति की दुनिया के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। कथक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी उमा शर्मा जी, दिल्ली के चप्पे चप्पे को बारीक नजर से देखने वाले इतिहासकार और शिक्षक फिरोज बख्त अहमद जी, दिल्ली की तहजीब को खास योगदान देने वाले देहलवी घराने की लेखक पत्रकार और अभिनेत्री सादिया देहलवी, भारतीय संगीत के भविष्य की सुनहरी उम्मीद बन चुके सारंगी वादक कमाल साबरी और सूफी गायकी में असरदार आवाज की मलिका जिला खां जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दिल्ली जो एक शहर है, बात यहीं से शुरू करती हूँ और बहुत अहम सवाल आज हमने उठाया है कि क्या ये शहर दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बन सकता है? सादिया जी, शुरू करें यहाँ से आपसे। दिल्ली का एक बहुत अहम एक मरकजी मरकज रहा है सकाफत का, यानी कल्चर का, और मेरे ख्याल से हम इस मौजू पे और इस हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है एक आलमी सतह पे भी एक कल्चर का मरकज माना जाए और तस्लीम करें लोग इसको, तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी सबसे पहले तो जो हमारी विरासत है उसकी कदर करनी है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रमोट करना है। कमाल जी, मैं समझता हूँ
कल्चरल एक कैपिटल बन सकता नहीं, मेरे ख्याल कोई कमी नहीं है बनने में, क्योंकि आई बीन ट्रैवलिंग सिंस द एज ऑफ 13 अराउंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड मैं पैदा पुरानी दिल्ली में हुआ अच्छा। लेकिन मैं लंदन में बड़ा रहा, बड़ा उधर हुआ, तो लेकिन मैंने जो यहाँ देखा कि एवरी इवनिंग देयर इज समथिंग हैपनिंग म्यूजिकली, अगर कॉन्सर्ट हो रही है या फिर कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है या फिर कोई मुशायरा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल्ली में कोई कमी नहीं है कि वो दुनिया का एक आलमी सतह पर एक कल्चरल सिटी बन सके। मेरा जहाँ तक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि दिल्ली अब से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से दुनिया की कल्चरल कैपिटल है, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब उसकी क्या वजूहत है आप सुन लीजिए। मैं एक छोटी सी बहुत मंडेन एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली में बहुत, वैसे तो बहुत से चौक हैं, छोटा सा चौक है चांदनी चौक, लेकिन तारीखी चौक है। आप इटली का जो है पियाज़ा नोवोटना देख लीजिए, आप लंदन का ट्राफाल्गर स्क्वायर देख लीजिए, आप टाइम स्क्वायर देख लीजिए न्यूयॉर्क का, आप तियानमेन स्क्वायर देख लीजिए उसका चाइना में बीजिंग का, आप कोई भी चौक देख लीजिए, लेकिन जो खूबसूरती और जो ये देखिए जो तारीख चांदनी चौक की है मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से और आज तक, वो खूबसूरती वो तारीख को किसी जगह पे नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो तहजीब है वो साझा संस्कृति है, साझा विरासत में हम जी रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हिंदुस्तान में कुछ भी होता रहे, लेकिन जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, यहाँ ना कभी कम्युनल राइट हुए ना कुछ भी। ईद होती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं, और मस्जिदों के बाहर जो है वो हार लेकर और मिठाई के डिब्बे लेकर जो हिंदू और सिख बिरादरान रहते हैं। उसी तरह से जब दशहरे का जो सवारियां निकलती हैं, मुझे याद है मैं बल्ली मारान में रहता था, तो बड़ी खूबसूरत और रंगीन सवारियां होती थी, मैं और मेरे मोहल्ले के बहुत से बच्चे उनको देखते थे। ऐसे चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरुपूरब हो, हम सब लोग एक बड़ी एक मजबूत तहजीब के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं, इस दिल्ली शहर में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और बढ़तर जो मिली जुली तहजीब का अक्स हमें मिलता है कहीं दुनिया में नहीं मिलता। लिहाजा मेरे हिसाब से दिल्ली जो है वर्ल्ड की एक संस्कृति की, समझिए कि तहजीब की कैपिटल है, इससे बेहतर कोई शहर नहीं है। उमा जी बिल्कुल बेशक। मेरी यादें बहुत पुराने समय में जा रही है। बचपन में हम लोगों ने देखा था कि पर्दा गार्डन में बड़े औरतों के मेले होते थे, वहाँ सब हिंदू औरतें, मुस्लिम, सब मजहब के लोग, सारी औरतें मिला करती थी। कहाँ पर ये? ये पर्दा गार्डन, ये कश्मीरी गेट की तरफ है, और अभी भी है पर्दा गार्डन, उसको पर्दा बाग उसको बोलते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो पर्दा बाग में बड़े गाने बजाने होते थे। फिर दूसरी बात ये है कि जब उसी वक्त की यादें हैं कि होली कैसे सब लोग खेलते थे मिलकर। अब होली तो ऐसा त्योहार था कि सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के टीका कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें, उस पे गाना बजाना बड़ा बड़ा खूबसूरती ढंग से चलता था। ध्रुपद मैं आपको एक, खैर मैंने तो तालीम लिया अपने गुरु शंभू महाराज जी से, तो होली की ढुमरी इसी को लेकर, जिसपे कि हमने तब भाव भी बताया है और गा के भाव बताना, मैं तो खेलूंगी से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हें से उन्हें से उन्हें से उन्हें से उन्हें से होरी गुइया लेके अबीर गुलाल कुमकुमा, वो तो रंग से भरी पिच कारी गुइया, वो तो रंग से भरी पिच कारी गुइया, मैं तो खेलूंगी मैं तो खेलूंगी मैं तो खेलूंगी, ये गा के भाव बताना, ये बताना, ये बताना मुश्किल है कि आप अच्छी जो कथक नृत्यिका है या गायिका है। जिला जी
उमा जी ने समा तो बांध दिया है, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी दुनिया की बन सकती है। सांस्कृतिक क्यों नहीं बनेगी? सबसे ज्यादा सेक्युलर दिल्ली शहर है, जिसमें प्रशासन भी उतना ज्यादा कल्चर में दखल नहीं देती और कल्चर को उभरने देती है हर एक तरीके से। जैसे भैया भी कह रहे थे कि राइट्स नहीं होते, सादिया बीबी कह रही थी, कमाल भाई कह रहे थे, उमा आंटी कह रही थी, यानी इस जो तरीका यहाँ का बे इंतहा, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, उसी से एक वो लेते हुए आप लोगों को जो हजरत अमीर खुसरो के सावनी गीत के अलग अलग सावन के अलग अलग मौसम के गीत और शादी ब्याहों के गीत जो उन्होंने बनाए, सितार की इजाद की, तबले की इजाद की हजरत अमीर खुसरो ने, तो वो एक वो इसी तरीके से हम इसी बोली में कह सकते हैं। और ज्यादा मुझे उससे तो नहीं पता रहता, वो आप लोग माशाल्लाह। और तो वो है कहे को ब्याही कमाल मियां कहे को ब्याही हरे लखिया बाबू मोरे काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबू मोरे काहे को ब्याही विदेश। देखिए ये तो हमारे दिल्ली की रिवायत है पुराने से, ऐसा गाना बजाना, ऐसी महफिलें दिल्ली में। Welcome back. You're watching New Delhi at 100. This is our final presentation. Let's take a little breather from all the serious stuff of nation building and global supremacy, and let's talk about the cultural influence of New Delhi. Now, dating as far back as the 13th century, the aesthetic, the literary and the intellectual tone of the country and even the world has been informed by the rulers and the people of Delhi. The Mughal emperors, for instance, were well-known arbiters of taste, spawning artistic movements and periods of cultural richness that are still influencing art today. In the grand tradition of music and discourse, may we present a special show, Dilli, Jo Ek Shehar Hai, our very own Dilli Darbar of free thinkers, artists and musicians in conversation and singing along with Richa Anirudh. Cheers.
सदियों पहले ये बोल दिल्ली की सरजमी पर लिखे गए और तब से आज तक ये सारी दुनिया के लबों पर हैं। इस दिल्ली में सदियों से कला संस्कृति की बेशुमार धाराओं ने मिलकर नई नई तहजीबों को जन्म दिया, वो चाहे शायरी का मैदान हो, नृत्य और नाटक की दुनिया हो या कला और संगीत का क्षेत्र। इस शहर ने एक से बढ़कर एक दिग्गज इस दुनिया को दिए। दिल्ली को भारत की राजधानी बनने के 100 साल पूरे होने पर अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, क्या वो दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बन सकता है? इज दिल्ली रेडी टू बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली की कला संस्कृति की दुनिया के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। कथक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी उमा शर्मा जी, दिल्ली के चप्पे चप्पे को बारीक नजर से देखने वाले इतिहासकार और शिक्षक फिरोज बख्त अहमद जी, दिल्ली की तहजीब को खास योगदान देने वाले दहलवी घराने की लेखक पत्रकार और अभिनेत्री सादिया दहलवी, भारतीय संगीत के भविष्य की सुनहरी उम्मीद बन चुके सारंगी वादक कमाल साबरी और सूफी गायकी में असरदार आवाज की मलिका जिला खां जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दिल्ली जो एक शहर है, बात यहीं से शुरू करती हूँ और बहुत अहम सवाल आज हमने उठाया है कि क्या ये शहर दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बन सकता है? सादिया जी, शुरू करें यहाँ से आपसे। दिल्ली का एक बहुत अहम एक मरकजी मरकज रहा है सकाफत का, यानी कल्चर का, और मेरे ख्याल से हम इस मौजू पे और इस हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है एक आलमी सतह पे भी एक कल्चर का मरकज माना जाए और तस्लीम करें लोग इसको, तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी सबसे पहले तो जो हमारी विरासत है उसकी कदर करनी है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रमोट करना है। कमाल जी, मैं समझता हूँ कल्चरल एक कैपिटल बन सकता नहीं, मेरे ख्याल कोई कमी नहीं है बनने में, क्योंकि आई बीन ट्रैवलिंग सिंस द एज ऑफ 13 अराउंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड मैं पैदा पुरानी दिल्ली में हुआ लेकिन मैं लंदन में बड़ा रहा, बड़ा उधर हुआ, तो लेकिन मैंने जो यहाँ देखा कि एवरी इवनिंग देर इज समथिंग हैपनिंग म्यूजिकली, अगर कॉन्सर्ट हो रही है या फिर कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है या फिर कोई मुशायरा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल्ली में कोई कमी नहीं है कि वो दुनिया का एक आलमी सतह पर एक कल्चरल सिटी बन सके। मेरा जहाँ तक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि दिल्ली अब से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से दुनिया की कल्चरल कैपिटल है, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब उसकी क्या वजूहत है आप सुन लीजिए। मैं एक छोटी सी बहुत मंडेन एग्जाम्पल देता हूँ, आप दिल्ली में बहुत, वैसे तो बहुत से चौक है, एक छोटा सा चौक है चांदनी चौक, लेकिन तारीखी चौक है। आप इटली का जो है पियाज़ा नवोत्ना देख लीजिए, आप लंदन का ट्राफाल्गर स्क्वायर देख लीजिए, आप टाइम स्क्वायर देख लीजिए न्यूयॉर्क का, आप तियानमेन स्क्वायर देख लीजिए उसका चाइना में बीजिंग का, आप कोई भी चौक देख लीजिए, लेकिन जो खूबसूरती और जो ये देखिए जो तारीख चांदनी चौक की है मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से और आज तक, वो खूबसूरती वो तारीख को किसी जगह में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो तहजीब है वो साझा संस्कृति है, साझा विरासत में हम जी रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हिंदुस्तान में कुछ भी होता रहे, लेकिन जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है यहाँ ना कभी कम्युनल राइट हुए ना कुछ हुए। ईद होती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं और मस्जिदों के बाहर जो है वो हार लेकर और मिठाई के डिब्बे लेकर जो हिंदू और सिख बिरादरान रहते हैं, उसी तरह से जब दशहरे का जो सवारियां निकलती हैं, मुझे याद है मैं बल्ली मारान में रहता था तो बड़ी खूबसूरत और रंगीन सवारियां होती थी, मैं और मेरे मोहल्ले के बहुत से बच्चे उनको देखते थे। ऐसे चाहे वो क्रिसमस हो चाहे वो गुरुपूरब हो, हम सब लोग एक बड़ी एक मजबूत तहजीब के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं, इस दिल्ली शहर में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और बरतर जो मिली जुली तहजीब का अक्स हमें मिलता है कहीं दुनिया में नहीं मिलता। लिहाजा मेरे हिसाब से दिल्ली जो है वर्ल्ड की एक संस्कृति की, समझिए कि तहजीब की कैपिटल है, इससे बेहतर कोई शहर नहीं है। उमा जी, बिल्कुल बेशक, मेरी यादें बहुत पुराने समय में जा रही है। बचपन में हम लोगों ने देखा था कि पर्दा गार्डन में बड़े औरतों के मेले होते थे, वहाँ सब हिंदू औरतें मुस्लिम सब मजहब के लोग सारी औरतें मिला करती थी। कहाँ पर ये? ये पर्दा गार्डन, ये कश्मीरी गेट की तरफ है और अभी भी है पर्दा गार्डन, लेकिन उसको पर्दा बाग उसको बोलते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो पर्दा बाग में बड़े गाने बजाने होते थे। फिर दूसरी बात ये है कि जब
उसी वक्त की यादें हैं कि होली कैसे सब लोग खेलते थे मिलकर। अब होली तो ऐसा त्योहार था कि सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के टीका कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें, उस पे गाना बजाना बड़ा खूबसूरती ढंग से चलता था। ध्रुपद मैं आपको एक, खैर मैंने तो तालीम ली अपने गुरु शंभू महाराज जी से, तो होली की ढुमरी इसी को लेकर जिसपे कि हमने तब भाव भी बताया है और गा के भाव बताना, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से उन्हीं से होरी गुइया लेके अबीर गुलाल कुमकुमा, वो तो रंग से भरी पिच कारे गुइया, वो तो रंग से भरी पिच कारे गुइया, मैं तो खेलूंगी मैं तो खेलूंगी मैं तो खेलूंगी, ये गा के भाव बताना, ये बताना मुश्किल है कि आप अच्छी जो कथक नृत्यिका है या गायिका है। जिला जी, उमा जी ने समा तो बांध दिया है, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी दुनिया की बन सकती है, और सांस्कृतिक क्यों नहीं बनेगी, सबसे ज्यादा सेक्युलर दिल्ली शहर है जिसमें प्रशासन भी उतना ज्यादा कल्चर में दखल नहीं देती और कल्चर को उभरने देती है हर एक तरीके से। जैसे भैया भी कह रहे थे कि राइट्स नहीं होते, सादिया बीबी कह रही थी, कमाल भाई कह रहे थे, उमा आंटी कह रही थी, यानी इस जो तरीका यहाँ का बे इंतहा, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, उसी से एक वो लेते हुए आप लोगों को जो हजरत अमीर खुसरो के सावनी गीत के अलग अलग सावन के अलग अलग मौसम के गीत और शादी ब्याहों के गीत जो उन्होंने बनाए, सितार की इजाद की, तबले की इजाद की हजरत अमीर खुसरो ने, तो वो एक वो इसी तरीके से हम इसी बोली में कह सकते हैं, और ज्यादा मुझे उससे तो नहीं पता रहता, वो आप लोग माशाल्लाह, और तो वो है काहे को ब्याही कमाल मियां काहे को ब्याही देश हरे लखिया बाबू मोरे, काहे को ब्याही देश ये लखिया बाबू मोरे, काहे को विदेश। देखिए ये तो हमारे दिल्ली की रिवायत है पुराने से, ऐसा गाना बजाना, ऐसी महिला दिल्ली में।